वेलकम बैक वीवर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं मटर आलू की सब्ज़ी, जो बनने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही मज़ेदार है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। चले बनाना शुरू करते हैं मटर आलू की सब्ज़ी। आलू और मटर की सब्ज़ी बनाने के लिए हम 2 चम्मच जो है ऑयल लेंगे, 2 टेबल स्पून ऑयल, और 2 उसको गर्म करेंगे ऑयल को, 2 टेबल स्पून ऑयल को। 2 टेबल स्पून ऑयल डालने के बाद हमने 1/2 टीस्पून क्रश गार्लिक लिया है, उसको डालेंगे। उसको 3 मिनट्स तक सौते करेंगे ताकि गार्लिक का फ्लेवर जो है ऑयल में आ जाए। लहसुन फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें 1/2 टीस्पून ज़ीरा डालेंगे, 1/2 टीस्पून ज़ीरा। उसको क्रैक करेंगे, ज़ीरे को, ज़ीरा क्रैक हो जाएगा। फिर हम इसमें डालेंगे 2 आलू को हमने काटने के बाद इसमें पानी में भिगो दिया था। आलू को इस तरह काट दिया छील कर और पानी में भिगो दिया था ताकि इसका कलर चेंज ना हो। अब इस आलूओं को हम पानी से निकाल कर इसमें ऐड करेंगे। तीन आलूओं को काटने के बाद मैंने इसको पानी में डिप कर दिया था। आलू को हल्का सा फ्राई करेंगे। आलू को हल्का सा फ्राई करने के बाद फुल फ्लेम में फ्राई करेंगे। हमारे आलू फ्राई हो रहे हैं। आलू फ्राई करने के बाद 3 से 4 मिनट तक इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। 3 से 4 मिनट तक आलू फ्राई किए। आलू को फ्राई करने के बाद मैं इसमें कुटी हुई मिर्ची डालूंगी, 1.5 टीस्पून, कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं आप। 1/2 टीस्पून हल्दी फ्राई करेंगे। नमक अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। 1 टीस्पून नमक मैंने ऐड किया। मिक्स करेंगे इसको। मिक्स करने के बाद इसको 4 से 5 मिनट तक ढक्कन ढक कर आलू को गलने देंगे। इसमें मैं पानी भी ऐड कर रही हूँ। 1/2 कप पानी ऐड करें ताकि आलू गल जाए। आलू गल जाते हैं तो फिर उसका दूसरा प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। आलू थोड़े से बॉईल हो चुके हैं, अब हम इसमें डालेंगे 2 टमाटर का हमने पेस्ट बना लिया है। इसको बॉईल करके टमाटर का पेस्ट डालेंगे इसमें और उसको फुल फ्लेम में रखेंगे। ये टमाटर जो है आलू में हल्के से मिक्स हो जाए, आलू में मिक्स हो जाए, इस फ्लेवर आ जाए टमाटर का। इसको हम गलाएंगे ताकि मसाला जो है हमारा भुन जाए टमाटर के साथ और आलू के साथ। इसको 4 से 5 मिनट तक ढककर पकाएंगे, फ्लेम को फुल रखेंगे और इसको हम फ्राई करेंगे। टमाटर जो है मसाले में अच्छी तरह से गल गए, अब हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी, वन टीस्पून कसूरी मेथी इसमें डालेंगे हम, इससे इसका ज़ायका बढ़ जाएगा। कसूरी मेथी को डालने के बाद हम इसे फ्राई करेंगे 2 मिनट तक ताकि मेथी का ज़ायका जो है आलू में आ जाए। 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे। मेरे पास फ्रोज़न मटर है, पीस जो है फ्रोज़न है, वो आप 1/2 कप ले सकते हैं। ताज़े हों तो ताज़े बहुत अच्छे होते हैं और वो ताज़े इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास फ्रोज़न है तो मैं फ्रोज़न इस्तेमाल कर रही हूँ। 1/2 कप मटर इसमें मैंने ऐड किया और फ्लेम मेरी फुल है कि चूल्हे की फ्लेम जो है फुल है। इसको फ्राई करें ताकि मटर जो है अच्छी तरह से
इसमें मैश्यूज है, मिर्च है, 2 से 3 मिनट का इसमें स्टीम देंगे ताकि मटर जो है वो गल जाए। 3 मिनट के बाद हमारे मटर जो है गल चुके हैं और इसमें मिक्स हो चुके हैं आलू में। अब फुल फ्लेम में अब हम इसको फ्राई करेंगे। ग्रेवी रखना चाहते हो ग्रेवी रख लें आप, और फ्राई भुना हुआ बनाना चाह रहे हैं तो ये फुल फ्लेम में इसको पानी को सुखाना है। मैं चाहूँगी ग्रेवी हो तो ग्रेवी से काफ़ी अच्छा थिक सा फ्लेवर आता है। ये देखिए आलू मटर की सब्जी जो है बिल्कुल तैयार है। देखिए इसमें लेस थोड़ी सी हम ग्रेवी रखेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, इससे बहुत अच्छा जायका आता है। 1/2 टीस्पून कटा हुआ धनिया, भुना हुआ कटा हुआ धनिया है 1/2 टीस्पून। बाद हम इसमें चम्मच चलाएंगे। हरी मिर्चें जो हैं ये तीखी नहीं होती हैं, ये फ्लेवर के लिए होती हैं, तो हमने 2 इस तरह मिर्चें काट कर मोटी मोटी काट कर इसमें डाल दी है। इसको आप इस तरह काट सकते हैं या बारीक भी काट सकते हैं, मगर एक फ्लेवर आता है इसका, तीखी बिल्कुल भी नहीं होती ये मिर्चें। इसको करने के बाद हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। मिक्स किया हमने, फ्लेम ऑफ किया। ग्रेवी रखना चाहते हैं तो थोड़ा सा पानी आप ऐड कर सकते हैं। हमें थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए तो हम 2 टेबल स्पून वाटर ऐड कर रहे हैं, 2 टेबल स्पून पानी हम ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद 1 मिनट तक इसे पानी को खोलाएंगे, फिर इसको फ्लेम ऑफ कर देंगे। फ्लेम ऑफ करने के बाद हम इसमें ऐड कर रहे हैं गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून। जब हम गरम मसाला ऐड करेंगे तो फ्लेम ऑफ कर देंगे, अगर गरम मसाले को पकाएंगे तो पूरी सब्ज़ी हमारी काली हो जाएगी। फ्लेम ऑफ कर दें बिल्कुल, इसको थोड़ा सा मिक्स करें और इसको बंद कर दें ताकि गरम मसाले का फ्लेवर पूरी सब्ज़ी में आ जाए। 5 मिनट हो चुके हैं दम देते हुए, अब हम इसको डिश आउट करते हैं अपनी आलू की सब्ज़ियों को। बिल्कुल तैयार है हमारी सब्ज़ी। अब हम इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे। हरा धनिया ऐड करने के बाद मिलाएंगे इसको। हरा धनिया हम सबसे आखिर में ऐड करें ताकि उसका ग्रीन कलर जो है उसका बरकरार रहे। धनिया ऐड करने के बाद हम इसमें डिश आउट करेंगे। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी इसे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। इस सब्ज़ी को ज़रूर ट्राई कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स हमें ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में दीजिए ताकि हर आने वाली रेसिपी जो ताकि हमें इम्प्रूवमेंट का मौका मिले। और आपके कमेंट्स पढ़कर बहुत ही अच्छा लगता है हमें। फिर मिलते हैं हम अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।